हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको स्ट्रेट लाइन में सिंधी कढ़ाई या कच्छ कढ़ाई बताना कैसे बनती है ये बताने जा रहे हैं। इसके लिए आप कोई भी मोटिव या तो ट्रेस कर सकते हैं या आप इस फॉर्म में इसे बना सकते हैं। बनाना ये बहुत ही आसान है। बनाने के लिए सबसे पहले हमें अपने मोटिव्स के एक साइड में से धागा ऊपर को निकालना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ जो नीचे वाला हिस्सा है इसमें थोड़ा सा धागा लेंगे, यहाँ कपड़े से। उसके बाद ऊपर इधर टॉप वाले में लेंगे। ये याद रखिए, इसमें एक साइड के धागे ऊपर की तरफ दोनों तरफ से फ्री रहते हैं और एक साइड के धागे दोनों तरफ से दबे रहते हैं। देखिए, ये इधर से फ्री है, मीन्स इसके ऊपर कोई धागा भी नहीं है। इस तरफ से भी हम फ्री रखेंगे और इसके नीचे से धागा, इस धागे के नीचे से सुई ले जाते हुए धागा निकालेंगे। इसी तरह यहाँ करेंगे। ये धागा इस तरफ से देख रहे हैं आप, इस थ्रेड से दबा हुआ है ये। इसको इस तरफ से भी हम ये दबाएंगे। आप जितनी लंबी अपनी लाइन बनाना चाहते हैं इस तरह से बना सकते हैं। जब आप यहाँ पहुंच गए तो देखिए, इधर का ये उठा हुआ था, इस तरफ के सारे धागे आपको ऐसे ही उठे हुए बनाने पड़ेंगे। इसके नीचे से धागा सुई ली और निकाल ली। उसके बाद इस कोने पे गए, थोड़ा सा कपड़ा लिया और निकाल दिया। फिर आप देख रहे हैं ये वाला धागा इस तरफ से दबा हुआ है, ये इस धागे से दबा है। तो अब आपको इसको उठाना होगा, इसके नीचे से सुई ले जाकर ऐसे, फिर नेक्स्ट इधर जाना है, फिर से थोड़ा सा कपड़ा लेना है, और फिर से इसके नीचे से ले जाना है। अब आप देख रहे हैं ये वाला धागा हर तरफ से फ्री है। इसको अब हम इसके ऊपर से धागा लेके जाएंगे और जो सामने ये वाली जगह है यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा ले लेंगे। उसके बाद इस वाले धागे के नीचे से ले जाते हुए हम अपनी सुई निकालेंगे। देखिए, हमने इधर का थोड़ा सा कपड़ा सुई के नीचे से ले लिया है, सुई को खींच लीजिए। फिर सुई इस वाले थ्रेड के नीचे से ले जाते हुए निकालेंगे। आप देख रहे होंगे ऊपर एक तरफ के सारे धागे एक जैसे दिखने में हैं, मतलब इधर का दबा है, इसमें भी इधर का दबा है, इधर का दबा है और इधर का दबा है। उसके बाद इस धागे के ऊपर से हो जाते हुए हम यहाँ पर थोड़ा सा फिर से कपड़ा लेंगे। फिर ये देखिए, ये वाला धागा इस तरफ से दबा हुआ है,
तो इसके नीचे से ले जाकर ऐसे थोड़ा सा ये आपका जाल रेडी हो गया है। अब इसका भरने का समय आ गया है। भरने के लिए हम सबसे पहले इस डोरी के नीचे से निकालेंगे फिर यहाँ पर इस धागे के नीचे से ये जो ये दबा हुआ धागा आपको दिख रहा होगा ये इसके नीचे से लेते हुए ये एक लूप बन गया। लूप में से निकालेंगे अपनी सुई को फिर यहाँ से लेंगे अपनी सुई को फिर ये इसके नीचे से ले जाते हुए जाएंगे इसके नीचे से सेम यही प्रोसेस करते जाएंगे। यहाँ से इसके नीचे से डालेंगे और इधर से डालेंगे। देखिए एक तरफ का सारा ये बन गया है। अब हम अपने फ्रेम को थोड़ा सा अपनी तरफ घुमाते हुए इधर लाएंगे और यहाँ पर जो दबा हुआ है इसमें से अपनी सुई को निकालेंगे। फिर इस लूप में से अपनी सुई को निकालेंगे फिर इस लूप से जैसा कि आप इससे पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं कि पहला और तीसरा थ्रेड हम अपने सुई पर उठाते हैं वैसे ही सेम यहाँ भी करेंगे पहला और तीसरा। फिर यहाँ से निकालेंगे अपने धागे को फिर इसके नीचे से फिर पहला और तीसरा इसके नीचे से यहाँ से पहला और तीसरा इसके नीचे से बनाने में देख ही रहे हैं आप कितना आसान है। बस थोड़ा बहुत आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए। अब फिर पहला और तीसरा देखिए और फिर लास्ट में ये वाले में से निकालते हुए अपना धागा नीचे भी लेके जाएंगे। ये पूरा ही लाइन तैयार है। आपको समझाने के लिए इसे हमने बड़ा बड़ा बनाया है। आप इसे छोटा भी बना सकते हैं जैसा चाहे इसे बना सकते हैं। पीछे ले जाकर फिर से थ्रेड में गांठ लगा दिया। गांठ लगा के धागा काट दिया है। हमारा ये मोटिव ऐसा देखने में लग रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें लाइक कीजिए। थैंक यू।